वो हमारी खताओं के सबब से छेदा गया। पाक कलाम से हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 52:13-52 देखो मेरा खादिम बरोमंद होगा, वो सरफराज और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह वो तेरे देख कर तुझसे दंग हो गए, क्योंकि उसका चेहरा इंसान के चेहरे से और उसकी सूरत बनीनो इंसान की सूरत से ज़्यादा मयूब हो गई। इसी तरह वो तेरी कौमें उसको देख कर ताज्जुब करेंगी और बादशाह उसके सामने मुंह बंद करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया ना गया था वो उससे देखेंगे और जो कुछ उन्होंने ना सुना था वो उस पर नजर करेंगे। जो हमसे सुना उसका किसने यकीन किया है और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ है। वो उसके आगे कौपल की तरह फूट निकला, खुश्क जमीन से जड़ की मानित। उसकी कुछ सूरत नहीं, कुछ हशमत नहीं कि हम उसका लिहाज करें। उसकी कुछ शक्ल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। हकीर और आदमी उससे मतरूक, मर्दे गमनाक और बीमारियों का आशना। ऐसे शख्स की मानित जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं। वो हकीर था और हमने उसकी कुछ कदर ना की। यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। हालांकि हम उससे मबरूस समझे और खुदा की तरफ से मारा हुआ और जलील, तो भी वो हमारी ही खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। हमारी सलामती की तादीब उस पर थी और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। हम सब भीड़ों की मानित भटक गए, हमें से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदी उस पर ला दी। उस पर जुल्म किया गया पर वो फरोतन रहा और उसने अपने मुंह ना खोला। वो ज़िबा होने वाली भेड़ की मानित और बर्रा की मानित बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहा और अपना मुंह ना खोला। गिरफ्तार करना और फतवा देने के बाद वो उससे ले गए। उसका अंजाम कौन बयान करेगा। वो अर्ज़े ज़िंदगान से काटा गया और अपनी उम्मत की सरकशी के सबब से कत्ल किया गया और उन्होंने शरीरों के साथ उसे दफनाया और दौलतमंद के साथ उसको कब्र में रखा। अगरचे उसने कभी जुल्म ना किया और उसके मुंह में फरेब न पाया गया, तो भी खुदावन को पसंद आया कि उसको बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़बीहा किया। वो ऐसी नस्ल देखेगा जिसके आयाम दराज होंगे और खुदावन का इरादा उसके हाथ से कामयाब होगा। वो अपनी जान के दुख के बाद नूर देखेगा, वो अपने इरफान से आसूदा होगा। मेरा सादिक खादिम बहुत तेरों को सादिक ठहराएगा और वो उनकी बदियों को उठा लेगा, इसलिए मैं बहुत तेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और वो बद किरदारों के साथ शुमार किया गया। बस उसने बहुत तेरों के गुनाह उठा लिए और वो बद किरदारों का शफी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।